राधे राधे। आज श्री वामन जयंती का शुभ अवसर है, यानी कि श्री वामन देव का प्राकट्य दिवस है। आज मैं आपके साथ श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में वर्णित श्री वामन देव की कथा शेयर करती हूँ। श्री वामन देव की कथा जानने के लिए पहले हम बलि महाराज के बारे में जान लेते हैं। हम बलि महाराज के बारे में जानने के लिए पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि बलि महाराज के जो दादा हैं प्रह्लाद महाराज, उनके बारे में जब हमने श्री नरसिंह देव के प्राकट्य की कथा जब हमने जानी थी, तो उसमें हमें प्रह्लाद महाराज के बारे में डिटेल में जाना था। तो आज हम उन्हीं के पोते बलि महाराज के बारे में जानेंगे। तो प्रह्लाद महाराज के पुत्र हैं विरोचन जी, और विरोचन जी के पुत्र हैं बलि महाराज। तो क्या हुआ, जब समुद्र मंथन की लीला हुई तो समुद्र मंथन में क्या हुआ, भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर, श्री विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर उन्होंने क्या किया कि जो अमृत था सारा का सारा ट्रिक से देवताओं को बांट दिया। अब असुरों को तो कुछ नहीं मिला, जबकि समुद्र मंथन में मेहनत तो उन्होंने भी पूरी की थी। अब जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो जो असुर थे वो बड़ा क्रोधित हो गए, बहुत क्षुब्ध हो गए, बहुत दुखी हो गए। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हम इन देवताओं से युद्ध करेंगे, हमारे साथ छल किया गया है, हमें धोखा दिया गया है। तो अब असुरों ने जब युद्ध करने की ठान ली देवताओं के साथ में, तो असुरों की ये जो सेना थी, इसके सेनापति थे बलि महाराज, यानी कि प्रह्लाद महाराज के पोते। अब जो बलि महाराज थे उनके साथ और भी असुर थे बहुत सारे, जैसे बल, पाक, नामुची, जम्भासुर, कालनेमी दैत्य, और उन सब की अपनी अपनी सेना है, बहुत बड़ी सेना असुरों की, और सारे बस बड़े बड़े असुर सेना नायक बलि महाराज की सेना में। अब जो बलि महाराज थे वो जब युद्ध क्षेत्र में आए, जहाँ पर युद्ध हो रहा था, जब वो वहाँ पर आए तो उनके पास एक बड़ा स्पेशल विमान था जिसका नाम था वैहायस। ये जो विमान था इसकी क्या स्पेशलिटी थी, ये पता है कि ये इच्छा के अनुसार ही कहीं भी उड़ने में सक्षम था, और इस विमान पर हर तरह का जो हथियार चाहिए होता है युद्ध के लिए, वो हर तरह का हथियार इस पर उपलब्ध था, इस विमान के पर प्रेजेंट था। और बलि महाराज इस विमान पर बैठकर, वहां पर जो वायुयान जैसा था वो उस पर बैठकर यहाँ युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए आए, और उनके साथ सारे असुर सेना नायक, और सब जोर जोर से गर्जना कर रहे थे। अब वहां पहुंच के सब असुर सेना नायकों ने और बलि महाराज ने अपने अपने शंख बजाए, मतलब युद्ध के लिए जैसे ललकारते हैं, तो उन्होंने अपने अपने शंख बजाए। अब जब इंद्रजी ने देखा और बाकी देवताओं ने देखा कि असुर हमसे लड़ने के लिए आ गए हैं, वो भी लड़ने के लिए तैयार हो गए, मतलब युद्ध के लिए बेसिकली तैयार हो गए, सब ने अपने अपने हथियार निकाल लिए, और सब एक दूसरे के सामने, जब असुरों की सेना और देवताओं की सेना आमने सामने खड़ी हो गई, अब एक दूसरे को जैसे कड़वे शब्द बोलते हैं एक दूसरे को ललकारने के लिए, ऐसे एक दूसरे को बोलने लगे। अब क्या हुआ कि अब देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया, मतलब कोई देवता किसी असुर से लड़ रहा था, कोई देवता किसी असुर से लड़ रहा था, और बलि महाराज इंद्रदेव से लड़ रहे थे। अब क्या हुआ कि जब बलि महाराज ने इंद्रदेव जो थे अपने हाथी ऐरावत पर आसीन थे, उस पर बैठे हुए थे, तो जो बलि महाराज थे, जब उन्होंने इंद्रदेव को उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए अपना धनुष निकाला, और उन्होंने अपने कई सारे बाण इकट्ठा उन्होंने बारिश से कर दी इंद्रदेव के ऊपर। अब इंद्रदेव ने क्या किया कि उन्होंने बलि महाराज के जितने भी बाण थे सबको तहस नहस कर दिया, मतलब तोड़ फोड़ दिया अच्छे से। जब बलि महाराज ने देखा कि बाणों का कोई असर ही नहीं हुआ इंद्रदेव पर, तो बलि महाराज ने अपनी शक्ति निकाली, और उन्हें जब शक्ति चलाने की कोशिश की तो इंद्रदेव ने इससे पहले बलि महाराज जो शक्ति को छोड़ते, उससे पहले इंद्रदेव ने उसको खंड खंड कर दिया, मतलब उसे तहस नहस कर दिया। अब जब बलि महाराज ने देखा कि इंद्र हर एक शक्ति को, हर एक बाण को, किसी भी हथियार को तहस नहस किए जा रहे हैं, तो अब बलि महाराज ने अपनी आसुरी शक्तियों का सहारा लिया। उन्होंने क्या किया, वो युद्ध क्षेत्र से अदृश्य हो गए, मतलब गायब हो गए, अब किसी को नजर नहीं आ रहे हैं बलि महाराज। और सडनली जो देवताओं की सेना थी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पर्वत आ गया, बहुत बड़ा पर्वत प्रकट हो गया, और उस पर्वत से जैसे अंगारे होते हैं जलते हुए, अंगारों जैसे वृक्ष उस पर्वत से देवताओं की सेना के ऊपर गिरने लगे, जलते हुए वृक्ष देवताओं की सेना के ऊपर गिरने लगे, और उसके पर्वत से उससे जो बिल्कुल कुल्हाड़ी जैसे शार्प पत्थर वो देवताओं के ऊपर गिरने लगे, और उनकी देवताओं की सेना को बुरी तरह से मारने लगे, और उस पर्वत से बिल्कुल सिंह, बाघ, हाथी और भी तरह तरह के सुअर और तरह तरह के जानवर उस पर्वत से गिरने लगे देवताओं की सेना के ऊपर, और देवताओं की सेना को तहस नहस करने लगे। देवता बुरी तरह से मारे जा रहे थे,
और क्या हुआ कि वहां पर सैकड़ों मतलब हंड्रेड्स ऑफ नरभक्षी जो मेल फीमेल जो असुर थे वहां प्रकट हो गए, जो पूरी तरह से नग्न थे और उनके हाथों में त्रिशूल थे और वो त्रिशूल लेकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मार डालो, छेद डालो, काट डालो, और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए और देवताओं की सेना को बुरी तरह से मार रहे थे। और उस और वहां पर सडनली क्या हुआ, सारे आकाश में बादल छा गए और बादल छाने के बाद में उन आकाश से अंगारों की बारिश होने लगी और वो जो जलते हुए अंगारे थे उनकी जो बारिश हो रही थी वो ऐसा लग रहा था देवताओं को जैसे कि जो प्रलयंकारी जो सांवर्तक अग्नि होती है वो उनके ऊपर बरस रही हो। अब देवता घबरा गए, बहुत सारे देवता मारे जा चुके थे, कुछ ही बचे थे, अब वो भी घबरा गए। उन्होंने घबरा कर श्री हरि श्री विष्णु का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही श्री विष्णु वहां प्रकट हो गए। जब श्री विष्णु वहां प्रकट हुए तो उन्होंने पीतांबर पहना हुआ था, भगवान विष्णु का श्यामल वर्ण, और उनके कानों में जगमगाते कुंडल और उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स। और जब भगवान वहां प्रकट हुए उनकी आठ भुजाएं थी और उन्हें आठों भुजाओं में उन्होंने तरह तरह के हथियार धारण किए हुए थे। जब भगवान वहां प्रकट हुए तो भगवान के वहां प्रकट होते ही जो असुरों की जो ये मायावी शक्ति थी जो प्रकट हो गई थी वहां पर, वो एकदम से गायब हो गई। और वो ऐसे गायब हो गई जैसे कोई हम सपना देखते हैं तो सपने में हमें बहुत कुछ देख रहे होते हैं और जब हम जागते हैं तो वो सपना जैसे सब कुछ खत्म हो चुका होता है जो हम सपने में देख रहे होते हैं। इसी तरह से जो असुरों की जो वो मायावी शक्ति से जो वो पर्वत प्रकट हुआ था और जो तरह तरह की वो जो प्रकट हो गई थी चीजें वो सब एकदम से गायब हो गई भगवान विष्णु के वहां प्रकट होते ही। अब जब कालनेमी दैत्य ने भगवान को देखा तो कालनेमी दैत्य ने क्या किया कि वो सिंह पर सवार थे कालनेमी। अब कालनेमी ने क्या किया, उन्होंने अपना त्रिशूल निकाला और भगवान पर झपटे उन्हें मारने के लिए, उन पर आक्रमण करने के लिए। उन्होंने पहले गरुड़ देव पर आक्रमण करना चाहा लेकिन भगवान ने क्या किया, श्री विष्णु ने क्या किया, उन्होंने उसका कालनेमी का जो त्रिशूल था उसे पकड़ा और उसी त्रिशूल से कालनेमी को और उसके सिंह को भी मार डाला। फिर भगवान ने उसके बाद में क्या किया, उन्होंने माली सुमाली इन दैत्यों को भी मारा। फिर भगवान ने क्या किया, उन्होंने जो इंद्र आदि देवता, जो इंद्र वरुण देव और जो सब देवता थे जो कि जिनकी मृत्यु हो गई थी उस वहां पर, तो उन्होंने उनको जीवित कर दिया भगवान ने। और फिर भगवान वहां से उनको जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। फिर जब इंद्र आदि देवता जब ये सब थे जीवित हो गए तो वो फिर से युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब इंद्र बहुत क्रोधित थे। अब इंद्र ने क्या किया, उन्होंने फिर से बलि महाराज को ललकारा और बलि महाराज को ललकारते हुए उन्होंने कहा कि तुम क्या सोच रहे थे कि जिस तरह से कोई जो छोटा बच्चा होता है उसे कोई ठग कोई उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर और उससे कुछ छीन ले, उसकी वस्तु छीन ले, ऐसे तुम हमसे इस युद्ध क्षेत्र में हमें अपनी मायावी शक्ति का सहारा लेकर हमसे विजय प्राप्त करना चाहते हो, हमसे जीतना चाहते हो। और फिर उन्होंने इंद्र ने और भी बोला, उन्होंने बोला कि तुम्हारे जैसे को जो इस तरह के मायावी शक्ति का सहारा लेकर और हायर प्लैनेट्स में जाना चाहते हैं, तुम्हारे जैसे को तो मैं लोअर प्लैनेट्स में भेज देता हूँ। और फिर उन्होंने अपना जो वज्र था उसे निकाला इंद्रदेव ने। अब बलि महाराज ने जब देखा इंद्र को इस तरह से बोलते हुए तो बलि महाराज ने इंद्र को थोड़ा फटकारते हुए उन्होंने बोला कि जय पराजय और मृत्यु और जो ये सब तो अपने अपने कर्मों के अनुसार होता है और अगर कोई ये सब तो काल की गति है, अगर कोई ऐसा सोचते हैं जो कि विजय होकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं अपनी पराजय से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो वो तो सब मतलब ये तो सब ऐसे लोगों को विद्वान तो माना ही नहीं जा सकता। तो इस तरह से कहकर बलि महाराज ने इंद्र को ललकारते हुए फिर उन्होंने इंद्र पर अपने बाणों की बारिश कर दी। अब इंद्रदेव ने क्या किया, उन्होंने वज्र निकाला। वज्र को हम जानते ही हैं कि वो अचूक है, जिस पर जिसका नाम लेकर भी वज्र चलाया जाएगा वज्र उस पर हमला कर ही देंगे। अब इंद्र ने बलि महाराज का नाम लिया और बलि महाराज पर इंद्र ने अपना वज्र छोड़ दिया। अब जब बलि महाराज उस वज्र के प्रहार से बलि महाराज अपने वायुयान समेत जिस पर वो बैठे हुए थे, अब वायुयान समेत बलि महाराज भूमि पर आकर गिर गए। अब जब जम्भासुर ने देखा कि बलि जो है वो जमीन पर गिर गए हैं तो जम्भासुर ने ये देखकर वो एकदम से फटाफट से बलि महाराज का थोड़ा प्रोटेक्शन करते हुए वो वहां पर आए और उन्होंने इंद्र से युद्ध करना चाहा।
अब इंद्र ने क्या किया, उसने उन्होंने पहले तो जंबासुर ने सोचा कि वो ऐरावत हाथी पर ही प्रहार करें, जब उन्होंने ऐरावत हाथी पर प्रहार कर दिया तो ऐरावत जो थे जमीन पर गिर गए। लेकिन इंद्र के जो सारथी हैं मातली, वो इंद्र का रथ लेकर फटाफट से युद्ध क्षेत्र में आ गए इमीडिएटली, और इंद्र उस रथ पर आ गए, अपने रथ पर आ गए। अब इंद्र ने क्या किया, उन्होंने वज्र लिया और जंबासुर पर प्रहार किया अपने वज्र से, और जंबासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब इस तरह से इंद्र ने फिर बल पाक और कई असुरों को मारा अपने वज्र से। फिर इंद्र ने नामुची का भी वध किया। अब यहाँ मैं आपको आपके साथ शेयर करती हूँ, नामुची के वध की कथा थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इंद्र उनको वज्र से नहीं मार पाए, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कथा है, छोटी सी है, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो क्या हुआ कि जब इंद्रदेव ने क्या किया, जब वज्र उन्होंने नामुची पर चलाया तो वज्र जो था वो नामुची का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब इंद्रदेव ने सोचा कि ये क्या हुआ, वज्र तो कभी भी चूकता नहीं है। तो तभी वहां पर एक वाणी प्रकट हुई, यानी कि आकाशवाणी हुई। तो उस आकाशवाणी ने कहा कि मैंने नामुची को यह वरदान दिया हुआ है कि इसको ना तो कोई आर्द्र चीज ना ही कोई शुष्क चीज इसको मार सकेगी, यानी कि ना तो कोई गीली चीज ना ही कोई सूखी चीज से इसको मारा जा सकता है, किसी वैसे हथियार से इसको नहीं मारा जा सकता। तो अब तुम ऐसे किसी चीज से इसको मारो जो कि ना तो आर्द्र हो ना ही शुष्क हो। तो अब इंद्रदेव ने सोचा और उन्होंने क्या किया, झाग जो होता है ना, फेन झाग, उससे एक हथियार बनाया और उससे नामुची का वध किया। तो इस तरह से अब क्या हुआ कि जो देवता थे वो असुरों का वध करने लगे। देवता असुरों पर बहुत हावी हो गए, क्योंकि उनके देवताओं के बहुत सेना नायक मारे जा चुके थे। अब देवताओं की सेना असुरों की सेना पर हावी हो गई, और देवता जो थे वो असुरों को बुरी तरह से मार रहे थे। असुर ऑलमोस्ट खत्म होने वाले थे, वो पूरी तरह से जब नष्ट होने वाले थे, तो फिर क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि जी को भेजा कि वो जाकर देवताओं को समझाएं कि वो युद्ध को बंद कर दें। जो नारद मुनि थे वो युद्ध क्षेत्र में आए और उन्होंने आकर देवताओं को समझाया कि अब आप इस युद्ध को बंद कर दें। तो देवताओं ने उनकी बात को मानते हुए, नारद मुनि की बात को मानते हुए, उन्होंने युद्ध को वहीं रोक दिया और फिर वो वहां से देवता चले गए। अब क्या हुआ, फिर नारद मुनि ने जो असुर जो बचे थे उनको आदेश दिया कि वो यहाँ से अस्तगिरी पर्वत पर चले जाएं। तो जो वो थे असुर थे, उन्होंने बलि महाराज जो थे उनको उठाया और सबको लेकर वो जो भी मतलब वहां उनके जो असुरगण थे, लोग थे जो जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, उन सबको उठाकर वो वहां पर अस्तगिरी पर्वत पर लेकर चले गए। अस्तगिरी पर्वत पर श्री शुक्राचार्य जी थे। अब शुक्राचार्य जी ने क्या किया, उन्होंने अपने संजीवनी मंत्र की शक्ति से उन्होंने बलि महाराज को जीवित किया और फिर उन्होंने उन सभी असुरों को जीवित कर दिया जिनके धड़ हाथ पैर सब ठीक थे और सिर वगैरह सब ठीक थे, उनको सबको जीवित कर दिया। अब क्या हुआ, जब बलि महाराज को शुक्राचार्य जी ने जीवित कर दिया, तो बलि महाराज शुक्राचार्य जी के बिल्कुल हार्डकोर जैसे फॉलोअर होते ना, ऐसे बन गए। अब वो उनकी बहुत सेवा करने लगे, बलि महाराज शुक्राचार्य जी की, बड़े मन से उनकी सेवा करते। शुक्राचार्य जी बलि महाराज की सेवा से बहुत प्रसन्न थे। अब उन्होंने बलि महाराज को कहा, कहकर उनसे एक विश्वजित यज्ञ करने के लिए उनको सजेशन दिया और उनसे करवाया। जब ये यज्ञ हो रहा था, विश्वजित यज्ञ हो रहा था, तो इस यज्ञ की अग्नि से एक रथ प्रकट हुआ। वो जो रथ था वो सोने का रथ था और वो रेशम के कपड़े से ढका हुआ था। इस रथ के जो घोड़े थे पीले रंग के थे, जैसे कि इंद्रदेव के रथ के घोड़े हैं येलो कलर के, और इस रथ की जो ध्वजा थी, जो झंडा होता है रथ के ऊपर, उस ध्वजा पर सिंह का चिन्ह था। और उस जो वो अग्नि थी उससे फिर उसके बाद में एक धनुष और तरकश प्रकट हुए, दो तरकश प्रकट हुए। जो ये तरकश थे, इसमें जो बाण थे उनकी खासियत ये थी कि ये जिस पर भी चलाए जाएंगे, या अचूक बाण है बेसिकली, जिस पर भी चलाए जाएंगे उसको तो ये मारेंगे ही मारेंगे। और फिर उससे एक दिव्य कवच भी प्रकट हुआ दिव्य अग्नि से। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो बलि महाराज के जो दादाजी हैं प्रहलाद महाराज, उन्होंने बलि महाराज को एक स्पेशल माला भेंट की, उन्हें गिफ्ट की। और वो जो माला थी उसकी स्पेशलिटी ये थी कि वो माला के फूल कभी नहीं मुरझाते थे। और फिर उनके जो गुरुदेव हैं शुक्राचार्य जी, उन्होंने उन्हें एक शंख प्रदान किया, उन्हें शंख दिया। अब बलि महाराज ने क्या किया, वो उन्होंने अपने गुरुदेव की आज्ञा लेकर उन्हें प्रणाम करके, जब ये सारा यज्ञ संपन्न हो चुका, तो उन्होंने अपने गुरुदेव को प्रणाम करके और अपने जो दादा हैं उन्हें प्रणाम करके, प्रहलाद महाराज जी को, फिर जो बलि महाराज है वो अपनी सेना लेकर चल पड़े इंद्र की नगरी की तरफ।
फिर जब वो इंद्र की नगरी की तरफ चल पड़े तो जब वो वहां पर अब चल दिए, अब जो इंद्र की नगरी है वो बहुत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। इंद्र की जो नगरी है वहां पर जो आसन है वो मोतियों के बने हैं, जो वहाँ के जो चंदोवे होते हैं ना जैसे, वो सोने के बने हुए हैं, तरह तरह की मणियों से जटित हैं, और जो वहाँ पर हर तरह के वृक्ष हैं, अब फूलों और फलों से लदे हुए वृक्ष, हर ऋतु के फूल वहाँ पर मिलते हैं, फल वहाँ पर पाए जाते हैं, वहाँ पर सदैव हमेशा एक जैसे मोरों के कुहुहाने की आवाज़ जो होती है वो आती रहती है, भंवरों के गुंजारने की आवाज़ आती रहती है, अप्सराएं वहाँ नृत्य करती रहती हैं, जो गंधर्व तरह तरह के सुंदर गान गाते रहते हैं, और जो वहाँ के जो झंडे और पताकाएं जो हैं वो बड़े सजे हुए से हैं, और वहाँ वहाँ की जो हवा है वो बड़ी सुगंधित है, और जो स्वर्ग के जो निवासी हैं बेसिकली जो लोग भी वहाँ रहते हैं उन सब में क्रोध लालच या कोई उग्र स्वभाव जैसी कोई बात नहीं है, या फिर वो उनके अंदर कोई भी ईर्ष्या जैसा कोई चीज़ नहीं है, उनके अंदर कोई अहंकार नहीं है, जो वहाँ के निवासी हैं सब बड़े शांत से निवासी हैं वहाँ के। जो इंद्र की नगरी है उसके चारों तरफ एक गहरी खाई है जिसमें आकाश गंगा का जल बहता है, और बहुत ऊँची ऊँची दीवार है उस नगरी की, बेसिकली स्वर्गलोक की हम कहें तो, उसकी बड़ी ऊँची ऊँची दीवार है। अब जब बलि महाराज वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँच के उन्होंने अपना शंख निकाला और शंख को बजाया, उस शंख की गर्जना इतनी तेज थी कि जो जो नगरी के अंदर जो इंद्रदेव की जो नगरी है उसके अंदर जो स्त्रियाँ थी वो बिल्कुल घबरा गई उस आवाज़ को सुनकर। अब जब इंद्रदेव और बाकी सभी देवताओं ने उस आवाज़ को सुना, उस शंख की ध्वनि को सुना, तो वो सब भी उसको सुनकर बिल्कुल थोड़ा जैसे होता है कि एक भचक्के से रह जाना, ऐसे रह गए। अब उन्होंने जो सुना, उन्होंने ये देखा कि बलि फिर से उतनी उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होकर फिर से आ गए हैं, और अभी इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्हें हराना तो अटमोस्ट डिफिकल्ट टास्क है, तो इनसे जीत पाना संभव नहीं। तो सभी देवता इंद्रदेव के साथ मिलकर बृहस्पति जी के पास पहुँचे, जो देवताओं के गुरुदेव हैं वहाँ पहुँचे, और उन्होंने बृहस्पति जी को जाकर बताया कि बलि फिर से युद्ध के लिए लौट आए हैं, और अब की बार तो उनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सब कुछ ले लेंगे, और जो उनकी गर्जना है वो इतनी तेज है, और हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इस बार हम उनसे युद्ध में जीत नहीं पाएंगे। तो बृहस्पति जी ने उनको कहा कि हाँ, इस बार बलि पहले से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली बनकर आए हैं, क्योंकि इस बार वो ब्राह्मणों के संरक्षण में हैं, भृगुवंशी ब्राह्मणों के संरक्षण में है। एक्चुअली जो शुक्राचार्य जी वो भृगुवंशी हैं, जो भृगु ऋषि हैं उनके वंशज हैं। तो बृहस्पति जी ने वही कहा कि वो क्योंकि ब्राह्मणों के संरक्षण में है इसलिए उन्हें हरा पाना इस बार संभव नहीं है। अच्छा यही होगा कि आप सब लोग समय का वेट करें और इस टाइम यहाँ से चले जाएं, तरह तरह इस टाइम यहाँ से मतलब, क्योंकि आप लोग उन्हें हरा नहीं पाएंगे तो आप लोग यहाँ से कहीं और चले जाएं और यहाँ पर बिल्कुल दिखाई ना दें या पता ना चले कि आप लोग कहाँ पर हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब समय आएगा तो जो ये जो बलि हैं जो अभी ब्राह्मणों के संरक्षण में हैं ये इन्हीं ब्राह्मणों का अपमान करेंगे या इनकी बात को नहीं मानेंगे, वो इनसे क्रोधित हो जाएंगे, और फिर उन्हीं के श्राप के कारण तो ये अपना सब कुछ गंवा बैठेंगे और तुम्हें अपने अपने पद फिर से प्राप्त हो जाएंगे। तो जो जितने भी देवता थे उन्होंने बृहस्पति जी की इस बात को माना, और वे सब तरह तरह के रूप धर कर अपने और जगह 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 जाकर इधर उधर तितर बितर हो गए और जगह जगह जाकर छुप गए। अब क्या हुआ, बलि महाराज ने जब स्वर्ग में एंटर किया और फिर स्वर्ग से उन्होंने बाकी के जो तीनों लोक थे उन सब पर भी अपना आधिपत्य अपना शासन जमा लिया। अब क्या हुआ कि फिर जो बलि महाराज थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया जिससे उनकी जो कीर्ति थी उनका जो यश था वो सभी जगह फैल गया। अब इधर क्या हुआ कि जो देवताओं की जो माता हैं अदिति जी, क्योंकि सभी देवता अदिति जी और कश्यप जी के पुत्र हैं, तो जो अदिति जी हैं वे इस बात से बड़ा दुखी थी कि उनके सभी जो पुत्र हैं वो यहाँ वहाँ बिना घर के बेघर अपने अपने पदों को छोड़कर घूम रहे हैं, वो बड़ा दुखी थी इस बात से। तो अदिति जी ने फिर क्या किया, अदिति जी बहुत दुखी थी, वो विलाप करने लगी, रोने लगी। अब इधर क्या था, कश्यप मुनि जो थे, जो उनके पति हैं कश्यप मुनि, वो ध्यान समाधि में थे। जब वो काफी समय बाद ध्यान समाधि से वापस अपने आश्रम में लौटे तो उन्होंने आश्रम में आकर देखा कि आश्रम में बड़ा दुखी का सा दुख सा माहौल, सुनसान सा आश्रम, कोई कहीं कोई हर्ष नहीं, कोई खुशी का सा माहौल नहीं। जो आश्रम बहुत लाइवली रहता था सडनली उसमें कोई लाइवलीनेस नहीं थी।
अब जो कश्यप मुनि थे अपनी पत्नी के पास पहुंचे, अदिति जी के पास। कश्यप जी ने अदिति जी से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, उनसे कारण पूछा इस सब का। तो अदिति जी ने सब कुछ बता दिया कि किस तरह से उनके उनके पुत्रों को बिल्कुल बेघर कर दिया गया है, उनके लोगों से जो बलि हैं उन्होंने सब भगा दिया है। तो जब उन्होंने फिर कश्यप मुनि से उन्होंने कहा कि आप मेरे पुत्रों को वरदान दें कि उनको फिर से अपने पद प्राप्त हो जाएं, आप ऐसा कुछ करें। तो फिर अब जो कश्यप मुनि थे वो मुस्कुराए और मुस्कुराकर अपनी पत्नी अदिति जी से कहने लगे कि ओहो देखो जो भगवान विष्णु की माया है कितनी प्रबल है कि जो व्यक्ति है वो अपने बच्चे के मुंह में कैसा बंधा रहता है, जबकि हम ये जानते हैं कि शरीर और आत्मा अलग है, भिन्न भिन्न है, फिर भी इस शरीर का सब कुछ मानते हुए किसी को हम अपना पुत्र किसी को पति मान लेते हैं, और ये सब तो हमारे और ये सब जो है ये हमारे उस मोह को उत्पन्न करता है उनके प्रति। फिर उन्होंने कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को समझाते हुए ये भी कहा कि ये सब जो विधि विधान है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप भगवान की भक्ति करो, वही सब कुछ है, वही सर्वश्रेष्ठ है। अदिति जी ने सारी बात सुनी कश्यप मुनि की। सारी बात सुनने के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर अपने पति को रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, आप मुझे ऐसा कोई विधि विधान बताएं जिससे कि मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूं और मेरा और मेरे पुत्रों का कष्ट खत्म हो सके। अब कश्यप मुनि ने क्या किया, उन्होंने भी मुस्कुराकर अपनी पत्नी से कहा कि ठीक है मैं तुम्हें वो व्रत बताता हूँ, उस व्रत के बारे में बताता हूँ जो कि मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था। जब मेरे पुत्र की इच्छा हुई थी तब उन्होंने मुझे उस व्रत को बताया था, इससे भगवान केशव प्रसन्न होते हैं। फिर उन्होंने अदिति जी को पूरा व्रत कैसे करना है, पूरा उसका विधि समझाया अच्छे से, क्या क्या करना है उसमें, उनको सारे मंत्र बताए जिनका उन्हें जप करना चाहिए। फिर सब कुछ बताकर जो कश्यप मुनि थे उन्होंने उनसे कहा अब तुम इस व्रत को करो। तो अब अदिति जी ने क्या किया, उन्होंने इस व्रत का जैसा जैसा उनके पति श्री कश्यप मुनि ने कहा था वैसा वैसा उन्होंने इस व्रत का पालन किया। अब जब उनका व्रत संपन्न हुआ तब क्या हुआ ये हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में कि फिर भगवान कैसे प्रकट हुए, किस क्या भगवान ने फिर इंद्रदेव और आदि देवताओं जो भी देवता हैं उन सबको क्या उनकी जो खोई हुई जो उनके पद थे क्या उनको उनके लोक और उनके पद वापस मिले या नहीं मिले, और भगवान ने बलि महाराज से के साथ में क्या क्या किया, उन पर किस तरह से कृपा की, ये हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। जय राधे।